नीतीश कश्यप के समर्थन में आए सुशील मोदी, क्यों कहा बिहार में छिन रही प्रेस की स्वतंत्रता, राज्य में हुए विपक्षी नेताओं के बैठक पर भी उठाए सवाल, सुशील मोदी के निशाने पर आए लालू नीतीश, कहा बिहार में बन रही आपातकाल जैसी स्थिति, क्यों कहा बिहार की जनता नहीं करेगी कभी माफ। सन ऑफ बिहार कहे जाने वाले मनीष कश्यप के समर्थन में अब तक कई बड़े नाम जुड़े हैं, जहां अब तक सोनू सूद, खेसारी लाल और मनोज तिवारी जैसे हस्तियों ने सामने आकर मनीष कश्यप का साथ दिया, वहीं अब भाजपा राज्यसभा सांसद और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने भी अपना समर्थन मनीष कश्यप को दिया है। बिहार में हुए विपक्ष की महाबैठक के बाद अब सत्ताधारी पार्टी और विपक्षियों के बीच पोस्टर वॉर और प्रेस वॉर शुरू हो गई है। बिहार में अब आपातकाल स्थिति बनी हुई है, ये बयान उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी का है। सुशील मोदी ने स्पष्ट तौर पर लालू और नीतीश की सरकार पर हमला बोलते हुए मनीष कश्यप के समर्थन में बात की है। दरअसल बीते दिनों बिहार में हुए विपक्षी महाबैठक को लेकर काफी चर्चाएं हुई। इस बैठक में खूब सुर्खियां भी बटोरी और इसकी वजह रही उस बैठक में शामिल होने वाली पार्टी और नेताओं के नाम। कहीं न कहीं महाजुटान के पीछे का उद्देश्य 2024 में केंद्र के खिलाफ एक बड़ी मुहिम छेड़ना है। जहां विपक्षी पार्टी एकजुट हो रही है, वहीं अब भाजपा के राज्यसभा सांसद और बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने लालू यादव और नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कांग्रेस को घेरा है। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि आज के 48 साल पहले जिस कांग्रेस ने अपनी सत्ता बचाने के लिए देश में आपातकाल घोषित कर जेपी, चरण सिंह, अटल जी जैसे नेताओं और 1 लाख से ज्यादा राजनीतिक कार्यकर्ताओं को जेल से अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया था, प्रेस सेंसरशिप लगाकर मीडिया का गला घोट दिया था, आज उसी कांग्रेस की गोद में आंदोलन के तथा कथित सिपाही लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार जाकर बैठ गए हैं। आज बिहार की सत्ता इस पैमाने पर पहुंच गई है कि उसे कांग्रेस का सहारा लेना पड़ रहा है। आगे सुशील मोदी ने कहा कि लालू नीतीश सरकार ने बिहार में आपातकाल स्थिति बना दी है, वहीं विपक्षी एकता सम्मेलन के दौरान भाजपा के 100 से ज्यादा होर्डिंग को हटाया गया है। सुशील मोदी का कहना है कि विज्ञापन कंपनी को धमकी देकर जो बड़े होर्डिंग लगवाए गए थे, उन्हें भी लालू और नीतीश के इशारे पर उतरवाया गया है। आगे सुशील मोदी कहते हैं कि बिहार में अखबारों को धमकी दी गई है कि अगर विपक्ष के समाचार को छापा जाता है या फिर उनके खिलाफ अखबारों में सरकार की आलोचना होती है तो उनका विज्ञापन बंद कर दिया जाएगा। सुशील मोदी ने आगे बताया कि प्रेस की स्वतंत्रता वाली बिहार सरकार के इशारे पर ही आज यूट्यूबर मनीष कश्यप तमिलनाडु सरकार द्वारा लगाए गए राजद्रोह की धारा के कारण जेल में बंद रहने के लिए बाधित है। आखिर में सुशील मोदी ने कहा कि देश में इमरजेंसी लगाने वाली कांग्रेस और उसका साथ देने वाली लालू नीतीश की सरकार को कभी भी बिहार की जनता माफ नहीं करेगी। अब देखना ये होगा कि सुशील कुमार मोदी के समर्थन में आने के बाद मनीष कश्यप के मामले में क्या बदलाव आता है।